अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो है न्यू मॉम्स के लिए, जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं, प्यारे प्यारे बेबीज़ हैं उनके लिए। तो आज मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ। माशाल्लाह वफ़िया जो है वो 5 मंथ्स की हो गई है, तो मैं इसके लिए जो जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो न्यू मॉम्स के पास होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं शेयर करूँगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती है ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर यहाँ पर मेरे पास है वुडवर्ड्स का, और ब्रांड्स के मुझे नहीं पता मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन मैंने दोनों बेबीज़ के लिए यही यूज़ किया अपने दोनों बच्चों के लिए। तो ग्राइप वाटर जो होता है पेट के लिए बेहतरीन होता है, चाहे मोशंस का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या गैस का इशू है, या ऐसा कुछ भी है, बच्चों को पेट में दर्द है तो आप थोड़ा सा दे सकते हैं। सर्दियों में जाए तो हल्का सा गर्म करके दे दें, नीम गर्म दे दें, और गर्मियों में वैसे ही आधा टीस्पून बच्चों को पिला दें। मैं तो आधा टीस्पून ही देती हूँ, या अब वफ़िया को मैं 1 टीस्पून दे देती हूँ, वरना जो छोटे बच्चों उनको बिल्कुल ज़रा सा पिलाया जाए। ठीक है, तो ग्राइप वाटर होना ज़रूरी है। वुडवर्ड्स का ही मैंने यूज़ किया दोनों टाइम पे, पहले भी बता दिया शायद मैंने। तो खैर अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे है डायगैस, जो कि बहुत ही इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी थी मेरी बच्ची के लिए, क्योंकि वफ़िया को गैस का बहुत बहुत ज़्यादा इशू था। पूरी पूरी रात ये तंग करती थी, और कोई इशू नहीं था इसको, सिर्फ गैस का इशू था। तो ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं, इस पर पूरा चार्ट बना हुआ है कि आप कितने बच्चे को कितनी खुराक दे सकते हैं, कितने ड्रॉप्स दे सकते हैं। तो मैं वफ़िया को दिन में 3 से 4 बार देती थी। हर्बल ड्रॉप्स हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और बेहतरीन ड्रॉप्स हैं गैस के लिए। ठीक है, गैस के लिए एक्सरसाइजेज़ भी होती हैं, वो फिर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगी मैं अलग से। सही है, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास नेजल ड्रॉप्स आते हैं। इसके बाद ये जो है ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, ये है कि अगर बच्चों को नोज़ ब्लॉकेज हो रही है तो आप उनकी नोज़ में 1-1 ड्रॉप डाल दें तो फ़ौरन नोज़ खुल जाती है, बच्चे सुकून से सो जाते हैं। ठीक है, कोई इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि जो है वो सिंपल स्लाइन वाटर है ये, जो कि बच्चों की नोज़ को खोलने के काम आता है। ठीक है, और ये सिंपल सा इसका ये ऊपर से जो इसका इसकी शेप बनी हुई है, मतलब ड्रॉप्स डालना नोज़ में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर जो चीज़ है वो है विक्स, बेबी विक्स। बेबी विक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बड़ी विक्स कभी भी ना यूज़ कराएं, उससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, चाहे चेस्ट पे लगानी हो, बैक पे लगानी हो, जहाँ भी यूज़ करनी हो, नोज़ वगैरह पे वैसे बच्चों की यूज़ ना ही की जाए तो बेहतर है। ठीक है, फिर वैसलीन है मेरे पास, वैसलीन मैं यूज़ करती हूँ जब मैं डायपर चेंज करती हूँ, तो मैं लाजमी यूज़ कर लेती हूँ ताकि रैशेज होने की नौबत ही ना आए कि मुझे कोई रैश क्रीम यूज़ करनी पड़े। तो शुक्र है अब तक वफ़िया को 1 बार भी रैश नहीं हुआ। अच्छा, अब इन मैडम का जो है वो टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बहुत चिढ़ती है, और जैसे ना चीज़ों को चबाने की कोशिश करना, और इस तरह से जैसे बच्चे करते हैं, तो उसके लिए ये हैं ड्रॉप्स, जो इनकी कंसिस्टेंसी ना ऑयल की तरह है, ऑयल की तरह इनकी कंसिस्टेंसी है। सिंपल आपने 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फिंगर पे लेने, और बेबी के पूरे मतलब जो उसके मसूड़े हैं, गम्स हैं, उन पर मसाज कर देना है। ठीक है, इससे बच्चों को थोड़ा सुकून मिलता है, या आप दिन में 3 से 4 बार कर लें। फिर है भाई बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि हेडफोन्स हैंड्स फ्री, तो ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो बराए मेहरबानी कोई रिस्क ना लें और हैंड फ्री यूज़ करें, ताकि वो जो है वो उठ ना जाए, सोता रहे, उठ गया तो बस फिर सुलाना मुश्किल हो जाता। ठीक है, अच्छा फिर ये खैर कोई ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये टेलकम पाउडर तिब्बत का, जो कि मैं दोनों बच्चों को यूज़ करवाती हूँ, इसकी जो है वो खुशबू बहुत 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 प्यारी है, अक्सर लोग यूज़ करते ही होंगे, बहुत ही प्लेजेंट सी स्मेल है और बड़ा मज़े का है। अच्छा, ये नेक्स्टॉन का लोशन यूज़ करवाती हूँ मैं वफ़िया को। नेक्स्टॉन की सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, रयान को जॉनसन्स यूज़ कराया था, लेकिन जॉनसन्स के बारे में अब काफ़ी र्यूमर्स सुनने को मिलते हैं कि जो है वो उसमें कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा खैर, ये बायोफ्लोर के साशे हैं, जो कि मुझे डॉक्टर ने दिए थे जब वफ़िया को मोशंस हो रहे थे, तो मैंने इसको ये दिए थे, इसको फौरी आराम आया था। तो मेरे ख्याल में मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मोशंस की वजह एक ही होती है, या तो फीडर वजह होती है कि निप्पल जो है वो गंदा था, या इसी तरह की वजूहत होती हैं, पानी इस तरह का पी लिया या कुछ भी इस तरह। खैर अच्छा, तो उसके बाद फिर है, मैं ये सिंपल कोकोनट ऑयल, क्या हो गया, सिंपल सा कोकोनट ऑयल है, जो कि मैं वफ़िया के मसाज के लिए यूज़ करती हूँ। जब सर्दियाँ थी तो ऑलिव ऑयल यूज़ करी थी, अब कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो बस यही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक प्रोडक्ट, एक चीज़ है पैनाडोल सिरप, वो भी बहुत ज़रूरी है भाई, उसकी ना मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो पैनाडोल सिरप
बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे ना सर्दियों में तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको एक से दो ड्रॉप्स दे दिए जाए, मतलब ख़ासतौर पे जिस दिन आप नहलाएं ना उस दिन रात में एक से दो ड्रॉप्स पैनाडोल के दे दें। और वैक्सीनेशन वगैरह होती है तो उसके लिए भी फिर पैनाडोल लाजमी चाहिए होती है, और छोटे बच्चों के साथ ऊँच नीच होती ही रहती है तो पैनाडोल सिर्फ जो है वो बेस्ट होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यार ऊँच नीच में जो है वो ड्रॉपर भर के पैनाडोल पिला दी, मतलब अगर फीवर होता है या जैसे फ्लू वगैरह भी हो और कफ हो तो उसके लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद होता है। और बस यही थी आज की वीडियो, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सपोर्ट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।